Like my channel. Please click the subscribe button. Press the bell icon for no- कि अपने बहुत लड़ाई झगड़े चलते हैं, कभी सेपरेशन होता है, डाइवोर्स तक हो गया, बट उससे एक सीख मिली और ये बहुत ज़रूरी था कि हम ऐसे थॉट्स और ट्रैक्स लेके आ रहे हैं जहाँ पर वो खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी एक एक समझ मिलती है। तो ये जो हर परिवार में जो प्रॉब्लम चलती है, कोई ना कोई एक हमारा रिश्तेदार होता है जो हमें भगवान के पास में ले जाए, वो हमारे जीवन के सुखों को और सौभाग्यों को बढ़ाती है। तो संसार के जितने भी कार्य करते हैं उनसे जो हमें सुख प्राप्त होता है, उसके साथ साथ यदि परमेश्वर की कृपा और उसका आशीर्वाद जब हमारे ऊपर होता है तो हमारे जीवन के सुख और सौभाग्य बढ़ते हैं। तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आप सभी अपने जीवन में सुख मुझे काम करना था राजन सर के साथ, बिगिनिंग करने की अपनी एक्टिंग करी थी, तो मैंने कहा मुझे रावण बनाओ, राम बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर ले आओ। फाइनली आई केम हियर। कार्तिक नायरा के साथ स्पीकिंग एंड टॉकिंग, आई थॉट ही इज गुड। कार्तिक नायरा के साथ अपना करियर शुरू करना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जैसे सबको सुधार के सीधा कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं इंसान, तो आई थिंक मेरे साथ भी वही करेंगे। कार्तिक नायरा के साथ मेरी भी न्यू जर्नी हुई है, एक्चुअली अच्छा लगता है। थैंक यू। संतो पूर्णाः भवन्तु अस्माकं सर्वकामाः। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन के सुखों को, सौभाग्यों को, आनंदों को बढ़ाइए। हमारे जीवन की विघ्न बाधाओं, समस्याओं, परेशानियों को दूर कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। ओम शुभम भवतु, कल्याणं भवतु, शुभानि शं भवन्तु। ओके, तो सेट पे पूजा हो रही है धनतेरस की, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मौके पर, कितने खुश हो आप? बहुत खुश है, हम लोग हवन करते ही रहते हैं, आप लोग भी आते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग मिलके हवन करते हैं, वैसे बहुत पॉजिटिव माहौल है ये हमारे सर का, एक और पॉजिटिव है। आप क्या कहना चाहते हैं इस मौके? अच्छा है कि हर साल की तरह साथ में जब मेहनत करते, काम करते, तो एक त्यौहार आता है, सारी यूनिट साथ में प्रे करती है और ऊपर वाले को थैंक यू मिलती है। और आज धनतेरस का बहुत पावन दिन, तो अच्छा लगता है कि सारी यूनिट के साथ प्रे किया। इस शो को भी अब 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो उसकी खुशी कितनी ज़्यादा है आप लोगों में, और कितना शुभ मानते हैं ऐसे हर बार इस सेट पे पूजा की जाती है ऐसे? बहुत अच्छा लगता है हमें, मुझे 700 एपिसोड्स हो गए हैं, तो सोचिए मुझे कितनी खुशी है। तो जब शो को 10 साल पूरे हो गए, तो सर कितने खुश होंगे, सभी लोग कितने खुश होंगे जो 10 साल से पहले दिन से लेकर आज तक इस शो का हिस्सा है। सर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि जब साथ में हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सबकी तरक्की होनी चाहिए, वी शुड वर्क टुगेदर, और वही पॉजिटिव स्पिरिट के साथ हम लोग काम करें, इसलिए आज हम हवन भी किया है। और बड़ी दिवाली के दिन जितनी छुट्टी होती है, उस दिन घर पे भी मम्मा के साथ रहती हूँ। मेरी मम्मा अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाती हैं, हम वो खाते हैं, मैं बहुत खुली हूँ, मैं बहुत खाती हूँ, और मीठा मुझे इसलिए हम वो खाते हैं और क्रैकर्स बंद नहीं करते। आई थिंक आप सभी लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़
प्रैक्टिस मत बोलो कीजिए, उससे बहुत क्रिएशन होता है और अपने सभी यू नो दोस्तों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. ओके सर, पिछले 3 हफ्ते से लगातार ये रिश्ता सेकंड नंबर में आ रहा है बाप की वेबसाइट में. आप कैसे देखते हैं, जो टॉप 5 में रहता था ये रिश्ता अब सेकंड नंबर पे आ रहा है और अर्बन एरिया में ज़्यादा लोग शो ये देखते हैं, कहीं ना कहीं लोग काफ़ी पसंद करते हैं मेट्रो सिटी में, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? देखिए नंबर्स का क्या है कि 10 साल जब एक शो मोर देन 2750 एपिसोड्स करता है तो उस पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6 फिर नंबर 1 ही बहुत लंबी जर्नी रही है. ये रिश्ता ने कंसिस्टेंटली अपना डिलीवर किया है और नॉट ओनली इंडिया बट आप विदेश में जाइए तो बहुत लोकप्रिय है. अभी जी हाँ, अभी मैं लंदन गई थी और वहाँ पे वहाँ की यू नो ऑडियंस का इतना प्यार देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि यू नो सब इतने साल से वो लोग भी इतने साल से हमारा शो फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब यू नो आपको पता चलता है कि आप लोग आपको ये लोग इतना प्यार करते हैं और किसी विदेश में जाके जब ऐसा लगता है तो आई थिंक वो और थोड़ा स्पेशल हो जाता है. तो बहुत अच्छा. बस विल कंक्लूड बाय सेइंग दैट कि अच्छा है, बड़ों का आशीर्वाद है इस सेट पे. अच्छी बात ये रहती है कि सब परिवार के साथ लोग मिलते हैं जुड़ते हैं. और रोमेश कम्प्यूटर भाई तो ये है कि सारी टीम हम लोग मिलते हैं और